गाइस आज सुबह जब मैं सोकर उठा मैं एक छोटा सा गोल्डन बेबी वेनम बन गया, जबकि पहले मैं भी बहुत ही बड़ा जायंट गोल्डन वेनम हुआ करता था। और मैं नूब पुअर बन चुका हूँ। यहाँ पर सारे एवेंजर्स के पास जायंट जायंट हल्क बस्टर और हल्क के सूट है, इसलिए ये एवेंजर्स में रह सकते हैं, लेकिन मुझे भगा दिया गया है। अरे निकल जाए यहाँ से नूब। अरे बिल्कुल ये बिल्कुल नूब है, निकालो इसको यहाँ से। जब तू जायंट बन जाए, रिच बन जाए तब आना। गाइस मुझे किसी भी हालत में अपनी पुअर की पोजीशन को चेंज करके गॉड रिच पे जाना होगा। मैं क्या करूं? अरे वाह बहुत मजा आ गया, मैंने फल बेच के इतना पैसा कमा लिया कि मैं खुद की इज्जत जिंदगी जी सकता हूं। ओह माय गॉड गाइस, ये तो कोई अंकल है जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। मैं इन पैसों को इस्तेमाल करके अपने आप को रिच तो बना ही लूंगा कम से कम। फलों से बहुत बढ़िया धंधा हो गया मेरा। देखते हैं ये खुद को रिच कैसे बनाएंगे। कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी साइड निकालता हूं। अरे ये तो कोई ब्लू वेनम सूट शॉप है, और ये यहां कर क्या रहे? वाह 1 मिलियन डॉलर का वेनम का सूट है। ओह माय गॉड गाइस, ये तो ब्लू वेनम का सूट खरीद रहे हैं। ओहो गाइस को देखिए। अरे अंकल प्लीज मुझे भी फल बेचने दीजिए ना, यहाँ पर मैं कुछ 10-15 हज़ार डॉलर कमा लूंगा खुद के लिए, और कम से कम खुद को पुअर से रिश्ता बना लूंगा। अरे बच्चे निकल यहाँ से वरना पटक्के मारूंगा तुझे। गाइस इनका फोन यहाँ पे पड़ा है, हम चुपचाप इनका फोन चुरा लेते हैं। क्या करूं, चुराओ नहीं, चुरा लिया गाइस मैंने फोन। कोई बात नहीं है, मजबूरी में ऐसा करना होता है गाइस, आप समझ सकते हैं ना मेरी परेशानी। चलो स्मार्टफोन निकाला। अरे नहीं इनका फोन तो लॉक्ड है, क्या करूं। चलो गाइस एक काम करते हैं, क्लिक करके देखते हैं क्या पता लॉक हो जाए। क्या मैंने क्लिक नहीं। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट में जल्दी से मेरे लिए ATGamerOP लिख दीजिए, उससे ना यहां पर हमारा वेबसाइट अनलॉक हो सकता है। प्लीज गाइस इतना कर दो मेरे लिए, आज मुझे खुद को पुअर से गॉड रिच वेनम बनाना होगा, तब जाके एवेंजर्स मुझे वापस भर्ती करेंगे। अरे वाह यहां पर एक गोल्ड वेनम सूट शॉप खुल गई, मैं गोल्ड वेनम ही हूं। ये एक सूट तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, बाकी के सूट मुझे खरीदने पड़ेंगे। सारे के सारे सूट काले हुए पड़े हैं, मतलब इनको अनलॉक करने के लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इन अंकल के पास जाते हैं। अंकल जी। बढ़िया बढ़िया, अभी तो मेरे को और जायंट बनना है। अंकल जी प्लीज आप ना मुझे अपना नौकर बना लीजिए, मैं यहाँ पे नौकरी करूंगा ना तो अच्छी तरह से आपके सारे फलों को बेच दूंगा, उसके बाद आप उसका कुछ परसेंट मुझे दे देना और मैं पुअर से कम से कम रिश्ता बन जाऊंगा। ए बच्चे तू भिखारी है, निकल यहाँ से, आज के बाद वापस मत आ जाना, मैं बहुत अमीर वेमन बन गया हूँ। अरे बाप रे अंकल आप तो मारते हैं। गाइस देख रहे हो अंकल जैसे ही अमीर बन गए उन्होंने ना मुझे पीट दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं हार नहीं मान सकता, मुझे किसी भी हालत में छुपके छुपके से अंकल जी के कुछ फल चुराने होंगे जिससे कि हम इनको बेच दें। ओह माय गॉड मैंने कुछ फलों को चुरा लिया है, अब अंकल मुझे देख ले। भागो। गाइस देख रहे हो इस छोटे से बच्चे को क्या क्या करना पड़ रहा है इतनी सी जिंदगी में, ऊपर वाला कभी किसी और को ये दुख ना दे। कोई नहीं गाइस हम यहाँ पे खुद को रिच बना के रहेंगे। आ जाओ फल ले लो, फल छोटे से प्यारे से गोल्डन वेनम के इतने प्यारे प्यारे फल मैं खुद अपने हाथों से तोड़ कर लाया हूँ। अरे चलो अपने बेटे चिंटू के लिए कुछ फल ले लेती हूँ। अरे वाह इतना सा बच्चा, ए बच्चे रुक मैं आती हूँ। जी आंटी जी आ जाइए जल्दी आ जाइए। अरे वाह गाइस यहाँ पर एक आंटी जी आ रही हैं, अब मुझे यहाँ पर ना इनको सारे फल बेच देने होंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया फल लगते हैं ताजा, तूने ये फल चोरी तो नहीं किए बच्चे? अरे नहीं आंटी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। चल ठीक है मैं इनको लेके जा रही हूँ, समझा? हाँ अगर चोरी किए होंगे तो छोड़ूंगी नहीं तुझे, चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ से जाती हूँ। याहू गाइस देखिए वहाँ पे वो अंकल आंटी जो भी थे चले गए, और दोस्तों यहाँ पर इतना सारा पैसा दे गए मुझे। ओके गाइस यहाँ पर मेरे अकाउंट में $20,000 आ चुके हैं, और गाइस देखिए अब मैं $20,000 से अपने आप को पहले जितना बड़ा तो खरीदूंगा कम से कम। वाह ये तो गोल्ड वेनम का ही सूट है, मतलब ये वेबसाइट बिल्कुल सही थी। अरे वाह गाइस देखिए अब मैं यहाँ पर गोल्ड वेनम बन चुका हूँ। तो दोस्तों अभी काम करते हैं, सबसे पहले अपनी पावर्स चेक करते हैं। भागो। अरे नहीं मेरे पास पावर्स नहीं है क्या? चलो एक काम करता हूँ, शहर में चल क्या रहा है ये देखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज अभी पता चला है टोनी स्टार्क को जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया है, और उसको जायंट खतरनाक वाले आयरन मैन में बदला जा रहा है। जो उसको बचाएगा टोनी स्टार्क उसको करोड़ों रुपए से नवाजेगा। बचा लो उसको। क्या मिलिट्री बेस वालों ने हमारे अवेंजर्स के हेड को किडनैप कर लिया और उसको जबरदस्ती जायंट ज़ॉम्बी आयरन मैन बनाना चाह रहे हैं? ओह नो गाइस अगर टोनी स्टार्क ही नहीं रहा तो यहाँ पर अवेंजर्स की टीम बिखर जाएगी, मुझे टोनी स्टार्क को बचाना होगा। अरे कोई बचाओ, चुप कर तेरे को मार दूंगा। अरे बाप रे गाइस एक मिनट, यहाँ पर कर्नल के साथ साथ ब्लैक रिवेंजर भी है और इसकी आर्मी भी है। अबे ओए ब्लैक रिवेंजर छोड़ तेरे को, नहीं छोड़ेंगे हम तेरे को।
है, बिल्कुल मत छोड़ो इसको, जॉइंट ज़ॉम्बी आयरन मैन बनाएंगे, क्या करूं क्या करूं गाइस, हे मैं अवेंजर्स का नया मेंबर हूं और मेरे टोनी स्टार्क को वापस कर दो वरना पूरी अवेंजर्स की टीम आ रही है तुमसे को पीटने, सर्जी मार दिया, कौन है रे, अरे बाप रे गाइस इसकी तो आवाज ही मुझे डर लगता है, ब्लैक रिवेंजर भाई टोनी स्टार्क को छोड़ दे, अरे बाप रे ब्लैक रिवेंजर जरा इसको पीट के तो दिखाओ, तो किड़े तू आएगा, रुक तुझे बताता हूं, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दे, अबे तेरा टैग तो देख तू तो पुअर है पुअर गरीब कहीं का, गाइस रेखा मुझे गरीब बोल रहा है, वैसे उसने सच्ची बोला, बेशक मैंने $20,000 का सूट खरीदा लेकिन इसमें पावर्स तो आई नहीं इसलिए मैं गरीब ही हूं, बहुत हो गया गाइस मुझे ना एक काम करनी होगी, यहां पर इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उन सबको फोड़ देता हूं, गाइस ऐसा ना हो सच में हमारे टोनी स्टार्क को जायंट ज़ॉम्बी आयरन मैन ना बना दे, चलो जल्दी जल्दी भागते हैं, भागो भागो, अरे बाप रे जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, अगर टोनी स्टार्क जायंट ज़ॉम्बी आयरन मैन, नहीं ये क्या, अबे यार ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों, छोड़ मुझे मैं तुझे मार दूंगा, अरे टोनी स्टार्क ये क्या हो गया तुझे, सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं हूं ज़ॉम्बी आयरन मैन, अरे नहीं गाइस ये क्या, इसका पूरा माइंड मैनिपुलेट कर दिया है, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, क्या करूं कुछ सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहा है मुझे, अरे बाप रे एक ऊपर से कमर और टूट गई, चलो गाइस एक काम करते हैं वेयरहाउस में जाते हैं और जाकर उनकी बातें सुनते हैं कि असल में उनका मिशन क्या है, देखिए ये तो तबाही करता हुआ शहर की तरफ जा रहा है, ना जाने कितने मासूम लोगों को मारेगा ये, अरे बहुत बढ़िया सर जी, बिल्कुल अब मेरी बात सुनो, इस गन का ध्यान रखना ठीक है, इस गन से हम ज़ॉम्बी आयरन मैन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको छोटा ही बना सकते हैं अगर उसने हमारी बात नहीं मानी, अरे जी सर जी बिल्कुल, तो गाइस मुझे वो गन चाहिए, अगर वो गन मेरे हाथ में आ गई तो मैं आयरन मैन को नॉर्मल कर दूंगा, गाइस इन मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक रिवेंजर की आर्मी को और उसको बेहोश कर देते हैं, इसके ना वो कुछ टाइम के लिए तो बेहोश हो जाएंगे, अरे बाप रे हे अरे कीड़े इधर मत आ मैं तुम्हारे पास आऊंगा, क्या करना चाह रहा है, नहीं नहीं अरे बॉय यस गाइस मेरे यहां पर ये ले गाइस ये ब्लैक रिवेंजर बड़ी देर में बेहोश हुआ लेकिन हो गया, एक मिनट वो गन कहां गई, लगता है इसके नीचे तो भी पड़ी है, चलो इसको जल्दी से निकालता हूं, ऑलराइट गाइस ये गन मुझे मिल गया लेकिन वो आयरन मैन का है, अरे बाप रे गन तो बहुत बढ़िया है, देखिए कैसे सोल्जर्स को बेहोश कर रही है, चलो जल्दी जल्दी भागते हैं और जाकर टोनी स्टार्क को ठीक करते हैं, अरे यार एक तो मेरी खुद से हालत खराब हुई पड़ी है, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं, अरे टोनी स्टार्क ये 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 मारा है, इस पे तो काम ही नहीं कर रही है गन, अरे क्या कर रहा है मेरे साथ, हे मुझे छोड़ दे तुच्छ इंसान, मैं इंसान नहीं हूं मैं तो एक गोल्डन वेनम हूं, अरे बाप रे गाइस अगर आप चाहते हैं हम यहां पे आयरन मैन को वापस से छोटा कर दें तो प्लीज कमेंट में यस लिख दो, हमारा आयरन मैन भाई बहुत अच्छा दोस्त है गाइस, प्लीज लिख दो ना यहां पर, अरे अरे बाप रे नहीं, अरे यार थैंक यू सो मच वेनम, अरे मैं ठीक हो गया फिर से तेरी वजह से भाई, मैं तो शायद यहाँ पे इविल बन चुका था, बिल्कुल यार मैंने तुझको बचा लिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरी मदद करेगा, मैं तुझे अवेंजर्स में फिर से भर्ती कर लूंगा लेकिन उसके लिए तुझे जायंट गॉड रिच बनना होगा, ये ले भाई मेरी तरफ से पैसे, अरे वाह गाइस अब एटलीस्ट हम यहाँ पर पुअर से रिच तो बन ही सकते हैं, देखा गाइस कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना अमीर बनने के लिए, कोई बात नहीं है गाइस अब देखिए बिल्कुल लेफ्ट में ना एक सूट है $20 million का, पता नहीं कैसा होगा देखते हैं, ओ माय गॉड ये तो मेरा रियल सूट है गाइस, मैं पहले ऐसा ही तो हुआ करता था, देख ही दिखाता हूं गाइस अब मैं वापस से अल्ट्रा रिच बन गया हूं, चलो दोस्तों अब समय आ गया है यहां पर गॉड अल्ट्रा रिच बनने का, लेकिन उसके लिए मुझे और मेहनत करनी होगी, साथ-साथ में मेरे पास देखिए कितनी खतरनाक वाले विंग्स आ गए, ओ माय गॉड मैं यहां पे स्विंग के साथ-साथ गाइस कितने खतरनाक वाले स्पाइक्स मार पा रहा हूं, मेरे फल चुराता है मेरा फोन चुराता है और अमीर होने के सपने देखता है, मैं तुझे मार दूंगा, ओ नो ये तो वही अंकल है जो ब्लू वाले बने थे, मेरा पैसा वापस कर बात कर दूंगा, प्लीज छोड़ दीजिए अंकल मेरी आपसे क्या दुश्मनी है, तू मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, तू मुझे अपना गोल्डन सूट देगा, ये काफी महंगा सूट लगता है, मेरा सूट तो सिर्फ $1 million का है, तू गोल्ड है तो तेरा सूट $20 million का है, चल मेरे साथ, ओह नो नो गाइस कमेंट में जल्दी से मेरा मोबाइल लिखो, ये अंकल तो मुझे फिर से गरीब बना देंगे, बिल्कुल सही कहा, चल पैसा दे वरना मार दूंगा, कोई बचा गाइस बहुत हो गया मुझे खुद की हेल्प खुद ही करनी होगी, अगर आप चाहते हैं मैं इन अंकल को पीट के ऐसे भाग जाऊं तो प्लीज कमेंट में एक बार यस लिख दो ना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लिख दो यस, गाइस देखिए मेरी कमजोरी आ गए, बिल्कुल सही कहा, ना तू मरेगा, बहुत हो गया अंकल ये लो, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था इसलिए आपको मारना नहीं चाह रहा था लेकिन बहुत हो गया, आपको यही सबक सिखाया, अरे बाप रे मुझे बहुत आग लग रही है गाइस मुझे यहां से निकलनी होगी जल्दी से, ये लो ना मेरे को माफ कर दे बड़ा, मेरे को अकल आ गई, अरे गाइस बाल बाल बच गया आज तो मैं मरने ही वाला था, चलो कोई नहीं गाइस अब बहुत हो
गया, मुझे और पैसे कमाने हैं। चेक करते हैं न्यूज़ क्या चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे डॉक्टर मिक्सेट का एक ऐसा खतरनाक ट्रेडमिल था जिसका रेड हुक ने इस्तेमाल करके खुद को जायंट बना लिया है, और अब वो ट्रेडमिल कब्जे में आ चुका है। जो भी उस ट्रेडमिल को मिक्सेट को वापस करेगा उसको मिक्सेट क्या गाइस लास्ट में वो क्या बोल के गया मुझे तो खुद समझ नहीं आया, लेकिन उनका महाराज हो गया। मैं क्या करूँ अब, वीडियो कैसे आएंगे, बच्चों को इतना खतरनाक टास्क कैसे दूंगा। अरे सर लेकिन हुआ क्या, मेरा ट्रेडमिल चोरी हो चुका है, प्लीज मेरा ट्रेडमिल वापस ला दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। ओ तो उस न्यूज रिपोर्टर का भी यही कहना था, वो मुझे माला माल कर देंगे। ऑल राइट गाइस, एक मिनट, अरे मुझसे रेड हल्क बोला था गाइस, ये तो देखिए कितना बड़ा है, रेड लावा टाइटन है ये तो। इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी और बड़ा हो जाऊंगा मैं। अरे बाप रे गाइस, एक काम करते हैं जल्दी से इस ट्रेडमिल को। अबे तू जो भी है निकल यहाँ से, ये ट्रेडमिल अब तेरे को नहीं मिलेगा। अरे बाप रे कितना बुरा मार रहा है। दोस्तों मेरे बस की नहीं है इसको राना, मैं बहुत ही नूब हूँ, क्या करूँ। बहुत जोर से लग गई। अरे तू मुझे नहीं हरा सकता, निकल जा यहाँ से। गाइस मुझे यहाँ पे गॉड ट्रेंच बनने के लिए उस ट्रेडमिल को इससे छीनना ही पड़ेगा। हाँ भैया यार कितनी बुरी तरह से बैठा है। एक मिनट, ये किसकी आवाज आई गाइस, ये तो ग्रीन वैनम है। अबे हमने तुमको देखा यार, तुम तो नूब वैनम हो। हाँ भाई मैं तो नूब हूँ, और भैया हम तो गॉड अल्ट्रा रिच ग्रीन वैनम है। प्लीज मेरी मदद कर दे भाई, अगर तूने मेरी मदद की फ्यूचर में मैं तुझे डबल पे करूंगा, एक बार वो ट्रेडमिल के लिए उस रेड लावा टाइटन को हरा दे। ऐसी बात है, अबे हमारे लिए तो बहुत आसान है। गाइस देखने में तो ये ग्रीन वैनम नॉर्मल सा लग रहा है, ये क्या ही कर लेगा। चलो कोई नहीं, हम भी तो देखें क्या कर रहा है। अरे बाप रे तू कौन है आप? गाइस यहाँ पर एक मिनट, ये कर क्या रहा है ग्रीन मैन, एक मिनट ये क्या कर रहा है। ये हमारा सबसे सुपर वारियर है, अब तेरी बैंड बजाएंगे। अब क्या बोल रहा है, अरे नहीं ये क्या, नहीं कोई बचाओ। ओह माय गॉड गाइस, ये लिटरली में गॉड अल्ट्रा रिच रिचेस्ट सबसे पावरफुल वेनम था अभी तक का। गाइस मुझे उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना है, क्या ही वेनम था ना वो। कोई बात नहीं है दोस्तों, अब जल्दी से ट्रेडमिल को लेके जाते हैं डॉक्टर मिक्सिट के पास। अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे वाह बच्चे, तूने मेरा ट्रेडमिल मुझे वापस ला दिया, इसका इस्तेमाल काफी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, तूने मेरी मदद की इसलिए मैं तुझे उपहार में $600 million देता हूँ। क्या $600 million? ओह माय गॉड गाइस इतना ज़्यादा पैसा। गाइस अब समय आ गया है अपने आप को गॉड अल्ट्रा रिचेस्ट बनाने का। पता नहीं गाइस ये $100 million में कौन सा सूट होगा। अरे बाप रे ये तो 3-headed giant golden venom का है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 3-headed giant golden venom बनूंगा, मैं तो सोच रहा था मैं नॉर्मल बनूंगा। गाइस अब समय आ गया है अवेंजर्स में वापस भर्ती होने का, तो अगर आप चाहते इस वीडियो का पार्ट टू आए तो जोरों शोरों से कमेंट में पार्ट टू लिख दो। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।